हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब पे स्वागत है। गाइस आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के जितने हाई स्कूल के प्री विद्यार्थी थे, सभी लोगों ने आज सुबह एग्जाम दे के आए हैं प्यारे बच्चों। उन सभी लोगों का एग्जाम का अच्छे से हुआ होगा मैं उम्मीद करता हूँ और अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों। आज हमारे पास कुछ पेपर आए हुए हैं जिनके आंसर की यानी जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं आप लोगों के साथ मिलकर। आप लोग जो है अपने जो किए गए प्रश्नों का उत्तर है इस सॉल्यूशन की मदद से, इस वीडियो की मदद से आप मिला सकते हैं। और अगर आपको मिलाने से एक डबल फायदा हो सकता है प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको अभी आकलन हो जाएगा आप एग्जाम में कितने नंबर करके आए हैं। अगर आपको अभी एक दो दिन में अगर आप अपने पेपर को मिलाए रहते हैं, अगर आपका रिजल्ट आता है और आपके मिलाए गए अनुसार के अगर रिजल्ट आपका नहीं आ पा रहा है तो आपको ये डाउट होता है कि कापी आपकी गलत चेक हुई है या कापी में कोई चेक करने में समस्या है, तो आप कापी को रीचेकिंग भी करा सकते हैं। इसीलिए हम इसी उद्देश्य से आपके जो आज जो पेपर आए हैं उन सभी पेपर का सोल्यूशन करने चल रहे हैं प्यारे बच्चों। हाँ, जो बच्चे अपने पेपर के सोल्यूशन को चाहते हैं वो पेपर जो है अच्छे तरीके से फोटो खींच कर आपके चैनल पर जो है ग्रुप बनाया गया है वहां पर आप उस फोटो को सेंड कर देंगे। और किस जिले का है उस जिला का नाम आप जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों, आप कहां से हैं वो भी बताइएगा, तो आपके पेपर को सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक दो दिन में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जितने मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं सभी प्यारे बच्चों का जवाब, सभी प्यारे बच्चों का हल सही मिलना चाहिए और निराशा आपको कहीं से भी नहीं आनी चाहिए। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए तो प्यारे बच्चों आपका जो खंड अ है उसका जो बहुविकल्पी प्रश्न है, सबसे पहले हम बता लेते हैं थोड़ी सी कि इस पेपर का जो कोड है वो 822 और ई ए है। पेपर का कोड क्या है प्यारे बच्चों? 822 और ई ए है। तो जो जिन प्यारे बच्चों का 822 ई ए कोड रहा होगा वो सभी आप अपने आंसर को यहां से मिला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसका पहला सवाल करा कि 731 बटे 625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या क्या होगी। तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, इसको आपको एग्जाम में कैसे लगाना था। आपको केवल ऑप्शन चार्टों दिए हैं, 1 2 3 4, कौन सा सत्य है वही आपको टिक लगाना था। तो प्यारे बच्चों इसको आप सॉल्यूशन कैसे करते हैं, आपने जैसे भी लगाया होगा अब आप जानते होंगे। तो आपको क्या इसका सबसे सरल तरीका होता है, जो नीचे दिया जाता है, नीचे क्या है 625, उसी से हमको क्या करना रहता है 731 में डिवाइड करना रहता है। प्यारे बच्चों जब आप डिवाइड करोगे तो लगभग जो है चार जो है आएंगे, कितने आ जाएंगे प्यारे बच्चों, दशमलव प्रसारों की जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी, चार आ जाएगी। अब आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि आखिर ये कैसे आएगा, तो बिल्कुल आ सकता है प्यारे बच्चों। आप इसको जो है जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जरूर आएगा। आप जब इसको डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों तो एक बार जाएगा, फिर दशमलव आएगा, फिर 1 6 9 6। तो देखिए दशमलव के बाद कितने अंक आए हैं प्यारे बच्चों, चार अंक आए हैं, तो इसलिए आपका जो आंसर होगा दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगा। इस प्रकार आपका जो जिन प्यारे जो प्यारे बच्चे अगर ये लगा के आए होंगे उनका एक नंबर सही हो जाता है। आगे क्या करा प्यारे बच्चों, आगे दूसरा नंबर करा बिंदु एक्स वाई और माइनस एक्स वाई के बीच की दूरी क्या होगी। तो प्यारे बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है वो ध्यान से देखिएगा। हम इसी पेपर पे सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। ये आपका एक्स वन होता है, ये आपका वाई वन होता है, ये एक्स टू होता है, ये क्या होता है वाई टू होता है। तो दो बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट में एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर। काफी लोग एक्स टू माइनस एक्स वन भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाई वन माइनस वाई टू का क्या हो गया होल स्क्वायर। फार्मूला रख लीजिए, अब केवल वैल्यू रखना है आपको, ध्यान से देखना है प्यारे बच्चों। आगे अब देखिए एक्स वन की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, एक्स है, आपने एक्स माना है ठीक। और एक्स टू कितना है, एक्स टू आपका माइनस है, ये वाला माइनस यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा होल स्क्वायर। अगला वाई वन कितना है, वाई वन आपका वाई है। अगला वाई टू कितना है, माइनस वाई, ये माइनस और वो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस वाई का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बीच में प्लस रहता है। एक्स एक्स जोड़ के कितना हो जाएगा, टू एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। और वाई वाई जोड़ के कितना हो जाएगा, टू वाई का होल स्क्वायर। चलिए अंडर रूट हटाते हैं, दो एक्स का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, चार एक्स वर्ग। यहाँ दो वाई का वर्ग करेंगे तो चार वाई का वर्ग आ जाएगा, ये अंडर रूट के बाहर है।
चार दोनों में क्या है प्यारे बच्चों, कॉमन है तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा, चार अंडर रूट से बाहर आएगा, चार का वर्गमूल होगा दो और ये अंडर रूट में रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए क्या ऐसा कोई विकल्प आपके प्रश्न में मिल रहा है प्यारे बच्चों। चलिए विकल्प की तरफ चलते हैं कि दो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहीं मिल रहा है, बिल्कुल यहाँ मिल रहा है, इसलिए आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, ये विकल्प करेक्ट है प्यारे बच्चों। तो आप इस तरह आप ये सेकंड विकल्प जरूर लगाए होंगे। चलिए अब बात करते हैं थर्ड प्रश्न की। थर्ड प्रश्न क्या कर रहा है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। प्यारे बच्चों अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से विभाजित हो और किसी भी संख्याओं से विभाजित न हो। तो प्यारे बच्चों जो आपकी जीरो है, दो है, आठ है, इनको विभाजित करने वाली कई संख्याएं हैं, परंतु जो एक है वो स्वयं से विभाजित होता है और किसी संख्याओं से विभाजित नहीं होगा, इसलिए जो अभाज्य संख्याएं होंगी वो आपका क्या होगा, एक होगा। आगे क्या करा, किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। तो प्यारे बच्चों किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो रूप होता है वो टू क्यू होता है। अब आप कैसे जानोगे टू क्यू है, क्योंकि आप इन चारों वैल्यू में क्यू का मान जीरो एक दो तीन रख के देख लो तो एक बार किसी में सम आ जाता है, किसी में विषम आ जाता है, परंतु ये एक ऐसी संख्या है यहाँ जीरो रखोगे भी तो भी जीरो आएगा, एक रखोगे दो आएगा, दो रखोगे चार आएगा, तीन रखोगे चार, मतलब सदैव सम संख्या आ रहा है। तो प्यारे बच्चों इसीलिए कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होता है, तो क्या हो जाएगा टू क्यू। आगे क्या करा प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, आगे करा यदि साइन ए प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट तीन अपॉन टू है, फिर कॉस ए माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट तीन अपॉन टू है, तो ए और बी के मान क्रमशः होंगे। सवाल एक बार आप ध्यान से देखिए और विकल्प दिए गए हैं, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। आइए हम देखते हैं क्या कहता है, ध्यान से इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए क्या क्या दिया है आप देख लीजिए, साइन ए प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट तीन बटे दो और कॉस ए माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट तीन बटे दो। चलिए पेपर को हटाते हम लोग हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा आपका सॉल्यूशन क्या था, हाँ कौन सा नंबर था, पांचवा नंबर। पांचवा नंबर क्या कहता है, कह रहा है प्यारे बच्चों कि पांचवा नंबर कह रहा है प्यारे बच्चों साइन ए प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट तीन बटे कितना है, दो है, और अगला है कॉस ए माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट तीन बटे दो है, ठीक ये दिए। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू, ये साइन साठ अंश की वैल्यू होती है, अंडर रूट तीन बटे दो साइन साठ अंश की वैल्यू है, और ये कॉस ए माइनस बी, और ये किसकी वैल्यू है प्यारे बच्चों, कॉस तीस अंश की, किसकी वैल्यू है, कॉस तीस अंश। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 60, और यहाँ a माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। इक्वेशन नंबर सेकंड बना लो भैया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए, ठीक। अब आप चाहे प्रतिस्थापन चाहे विलोपन चाहे जो भी लगा दीजिए, तो समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, समीकरण एक और दो को क्या कर दिए, जोड़ दिए। समीकरण एक क्या है, a प्लस बी इक्वल टू प्यारे बच्चों 60 है, अगला कितना है समीकरण दो कितना है a माइनस बी इक्वल टू 30 है। चलिए जोड़ना है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, a a जोड़ के कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2a, और 60 और 30 जोड़ के कितना हो जाएगा 90, दो से डिवाइड कर देंगे तो 45 आ जाएगा, मतलब a की वैल्यू भाई 45 डिग्री आ गई, a की वैल्यू 45 आ गई। तो किसी भी समीकरण में अगर हम रख दें तो b की भी वैल्यू मिल जाएगी, जैसे अगर समीकरण दो में ही रख दें तो यहाँ a के स्थान पर 45 हो जाएगा, ये b इक्वल टू 30 हो जाएगा, ये प्लस 45 उधर जाएगा प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा माइनस 45, तो 30 माइनस 45 हो जाएगा, 30 में 45 घटा दोगे प्यारे बच्चों तो माइनस 15 डिग्री आ जाएगा, माइनस बी, माइनस माइनस से कैंसिल, बी की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। तो प्यारे बच्चों आइए ऑप्शन मिलाते हैं, क्या ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू 15, क्या कहीं ऐसा मिल रहा है, मतलब 45 और 15। चलिए कॉम्बिनेशन करते हैं, पेपर के पास चलते हैं हम लोग, तो ध्यान से मिलाइए प्यारे बच्चों, तो देख पा रहे होंगे 45 और 15 का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका फर्स्ट नंबर विकल्प पे ही है, 45 और 15 का जो ऑप्शन है वो देखिए यहाँ पर है, ठीक, तो हम इस पे टिक लगा देते हैं, ठीक। चलिए आगे क्या है, 1 - tan² 30, 1 + tan² 30 का मान क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये तो फार्मूले पर भी आधारित लगा सकते हैं, तो आप डायरेक्टली वैल्यू रख दीजिए, टेन तीस अंश का मान 1/√3 होता है, तो 1 - यहाँ 1/√3 का क्या कर देंगे वर्क कर देंगे, फिर वही हाल नीचे होगा 1 + 1/√3 का क्या कर देंगे वर्क कर देंगे। चलिए इसको हम हल कर देते हैं, तो ये 1 - क्या आ जाएगा, 1 का वर्क करोगे 1 ही आएगा, √3 का वर्क करोगे 3 आ जाएगा,
वही नीचे 1 प्लस 1 बटे क्या आ जाएगा, 3 1 3, 3 में से एक घट जाएगा, 2 बटे 3 मिलेगा प्यारे बच्चों, 3 1 4, 4 बटे 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 1 के 2, 2 2 4, मतलब 1 बटे 2 आएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए ध्यान से देखिए अगला क्या करा, 7वां नंबर करा है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x+k इक्वल टू 0 का एक मूल 6 है, तो k का मान क्या होगा प्यारे बच्चों। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न। ये जो 6 है यही x के स्थान पे रख दीजिए तो आपको k का मान मिल जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ये एक मूल इसका है ना, तो 6 अगर हम यहाँ रख दे तो k का मान मिल जाएगा। जहां जहां x है वहीं 6 रख दीजिए। तो प्यारे बच्चों देखिए, x का वर्ग है तो 6 का वर्ग हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, -4, फिर x है तो 6 आ जाएगा, फिर +k इक्वल टू क्या, 0। 6 का वर्ग करेंगे 36, 4 छंगे 24, +k इक्वल टू 0। ठीक, 36 में से 24 घटा देंगे प्यारे बच्चों तो -12, +12 आएगा, कितना आएगा +12, +k इक्वल टू 0, ये +12 उधर चला जाएगा तो -12 हो जाएगा। ठीक, तो k की वैल्यू -12, ऑप्शन नंबर ए आपका देखिए मिल रहा है ना, वो करेक्ट है। ठीक प्यारे बच्चों, 7वें का ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या करा है, ध्यान से देखिएगा अगला प्रश्न, 8वां नंबर करा है, दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के दोगुनी है, तो संख्याएं क्रमशः होगी, दो संख्याओं का योगफल 24 है उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के दोगुनी है, तो संख्याएं क्रमशः होंगी प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आइए हम देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों। क्या कह रहा था, कौन सा नंबर प्रश्न था प्यारे बच्चों, 8वां नंबर ना, कह रहा था कि दो संख्याओं का योग 24 है। तो मान लेते हैं, माना दो संख्याएं एक्स और वाई हैं, माना दो संख्याएं एक्स और क्या है वाई है। अब प्रथम शर्त क्या कह रहा है पहले बच्चों, प्रथम शर्त आपसे ये कह रहा है कि इन दोनों का योग एक्स प्लस वाई इक्वल टू 24 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सेकंड शर्त क्या कह रहा है जानते हैं प्यारे बच्चों, सेकंड कह रहा है कि एक संख्या दूसरी के दोगुनी है, यानी जो पहली संख्या x, दूसरा शर्त ये आपसे कह रहा है कि जो ये x है, जो ये x है ना, ये दूसरी संख्या के दो गुनी यानी y के दो गुने के बराबर है। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया भाई, x की वैल्यू 2y आ गया, ये 2y आप इस x के स्थान पे रख दीजिए बस, तो समीकरण 2 से क्या प्यारे बच्चों, समीकरण 2 से एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है प्यारे बच्चों, ये है। तो एक्स के स्थान पे भाई 2y रख दो प्लस वाई इक्वल टू 24, 2y और 1y जोड़ के कितने आ गए प्यारे बच्चों, 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। ठीक, तो अब 3 8 कितने होते हैं 24, तो y की वैल्यू 8 आ गई। जब y की वैल्यू प्यारे बच्चों 8 आ गया, तो समीकरण 2 में अगर हम 8 रख दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। ठीक, 8 दूनी 16 होते हैं ना, तो x की वैल्यू 16 और 8, मतलब आपको उत्तर होने चाहिए 16 और 8। आइए ऑप्शन में हेरते हैं क्या 16 और 8 दिया, तो ध्यान से देखिए 8वें में जो है x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 8, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है, ये बिल्कुल क्या है करेक्ट है। चलिए अभी मैं आशा करता हूँ कि अभी 8 प्रश्न के आपके विकल्प गलत नहीं हुए होंगे प्यारे बच्चों, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, क्लासेस बराबर ली होगी तो आप आराम से उसको बता सकते हैं। चलिए 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्या करा, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 81:121 है, तो उन भुजाओं का अनुपात क्या होगा प्यारे बच्चों। जब भी किसी भी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात आता है, मैंने पढ़ा के रखा था कि अगर क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, तो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अगर कोई दो त्रिभुज है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिए, जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, और जब अगर उनका अनुपात ही दिया है, भुजाएं ज्ञात करना, तो भुजाएं क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखना, 81:121 को रट के बैठे रहो बस प्यारे बच्चों, ध्यान से। कौन सा नंबर है प्यारे बच्चों, 9वां नंबर ना, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखना, 9वां 9 नंबर प्रश्न। देखिए, अगर मैं आपके सामने एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक ट्रेंगल ले लूं ए बी सी, और एक नन्हा सा ट्रेंगल ले लूं पी क्यू आर, ये दोनों ट्रेंगल हो गए प्यारे बच्चों, इन दोनों का अनुपात, त्रिभुज ए बी सी का अनुपात और त्रिभुज पी क्यू आर का अनुपात,
क्षेत्रफलों का अनुपात, प्यारे बच्चों बार बार कह रहा हूँ, क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है इनकी भुजाओं के अनुपात के अलावा, कोई भी भुजा ले लो, चाहे इधर ए बी बटे पी क्यू ले लो, चाहे बी सी बटे क्यू आर ले लो, चाहे ए सी बटे पी आर, कोई भी, तो ए बी बटे क्या हो गए, पी क्यू के वर्ग के बराबर होता है। अब इन दोनों का अनुपात आपको दिया है प्यारे बच्चों, एक दिया था कितना, एक आपको 81 दिया है, एक 121, तो ये मान लेते हैं 81, ये 121, ठीक। इधर ए बी बटे कितना हो गया, पी क्यू का उसका है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, क्या हम इस 81 को और 121 को क्या 9/11 का इसका लिख सकते हैं, क्योंकि 9 9 81, 11 ग्राम 121, ये ए बी बटे कितना आ गया पहले बच्चों, पी क्यू का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, ए बी का मान 9 और पी क्यू का मान 11, तो 9 अनुपाते 11, भुजाओं का अनुपात कितना आ जाएगा, 9 अनुपाते 11। आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या 9 अनुपाते 11 दिया है प्यारे बच्चों, तो देखिए ऑप्शन मिलाइए तो बिल्कुल 9वें का जो ए नंबर दिख रहा होगा वो 9 अनुपाते कितना है, 11 ही है, देख लीजिए तो ऑप्शन ये करेक्ट है। चलिए 10वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां नंबर का कह रहा है, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष के आधार पर लंब डाला गया है, लंब की माप क्या होगी। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, क्या है ध्यान से देखिए, कह रहा है कि ए भुजा वाले समबाहु तो ऐसा कोई त्रिभुज है जो कि समबाहु है परंतु उसकी भुजाएं जो है ए है, मतलब उनकी भुजाएं क्या है प्यारे बच्चों, समान है। प्रश्न नंबर 10 है, बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा गया है आप लोगों से, उम्मीद है कि आपने सही करके आया होगा। चलिए 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, 10वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि समबाहु कोई त्रिभुज है, तो ध्यान से देखिए, अगर हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया जिसकी तीनों भुजाएं क्या समान है, इनकी भुजाएं ए ए दिया गया है, ठीक, ये ए ये बी ये सी, आगे कह रहा है कि इनके शीर्ष से एक लंब डाला गया, ये लंब डाल दिए प्यारे बच्चों, जैसे ही लंब हमने डाला ये पॉइंट का नाम दे दिए डी, इधर की दूरी ए बटे दो हो गया, इधर की भी दूरी ए बटे दो हो गया, क्योंकि आधा आधा हो गई ना, बट गई दूरी, तो प्यारे बच्चों अब करा कि मुझे ये शीर्ष लंब की माप बी डी चाहिए, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लें, तो बी डी क्या होता है, बी डी आपका लंब है, तो लंब बराबर होता है कर्ण का वर्ग, क्या होता है कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है प्यारे बच्चों यहाँ, ए बी का वर्ग, और माइनस आधार, आधार कौन है, ए डी का वर्ग। चलिए अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ ए बी की वैल्यू आपके पास तो है, ए बी की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, ए है, और ए डी की वैल्यू ए बटे दो है का वर्ग कर देते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, तो इसका वर्ग करेंगे तो भाई ए स्क्वायर आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं, तो 4 ए स्क्वायर हो जाएगा, मैं इसे घटा देंगे, तो प्यारे बच्चों लसा लेके हल करना है, केवल 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा, 4, 4 ए में से एक एक घट जाएगा, तो 3 ए स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा, 4, ये अंडर रूट लग जाएगा। देखिए जिनका वर्गमूल बाहर होगा उनको वर्गमूल, जिनका वर्गमूल होगा उनको वर्गमूल निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, ए का वर्गमूल हो जाएगा ए, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब है ए बटे 2 अंडर रूट 3, इसे ही हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 ए बटे दो। अब देखिए जो भी आपके ऑप्शन में मिल रहा हो आप टिक लगा सकते हैं प्यारे बच्चों, तो देखिए अंडर रूट 3/2 ये भी लिखा जा सकता है, अंडर रूट 3/2 ए मात्रक, तो आप देखिए ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 10वें में, ऑप्शन नंबर 10वें का ए नंबर जो है अंडर रूट 3/2 ए मात्रक सही है। चलिए अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों 11वें प्रश्न का, 11वां प्रश्न क्या कर रहा है भाई, ध्यान से देख लो, करा प्यारे बच्चों कि 1/2 सेमी व्यास वाले, 1/2 सेमी व्यास वाले एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस अर्धगोला प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, तो भाई अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है व्यंजक क्या होता है, ध्यान से देखिए यही मैं हल कर रहा हूं, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ये दो नहीं है ये ध्यान दीजिए, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 × π r, देखिए व्यास दिया है प्यारे बच्चों, व्यास 1/2 है जो कि व्यास का आधा ही त्रिज्या होती है, तो व्यास का आधा, तो व्यास का आधा पहले 1/2 कर दिए, और व्यास कितना है प्यारे बच्चों 1/2 है, ठीक, इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा,
तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ये 3 पाई और 1/4 का वर्ग कर देंगे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, 3 पाई 1/4 का वर्ग 1/16, तो इसे हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 3/16 पाई सेमी स्क्वायर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपके पेपर में दिख रहा है प्यारे बच्चों? तो देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल इससे मैच कर रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए प्यारे बच्चों 12 नंबर प्रश्न क्या करा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? प्यारे बच्चों बहुत ही आसान सा प्रश्न है, अगर आप इसको चित्र द्वारा समझना चाहते हैं तो आइए हम उसको चित्र के द्वारा भी समझा देते हैं। अगर देखिए ध्यान से देखिए 12वें नंबर का प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया है प्यारे बच्चों, आगे कह रहा है भाई 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो प्यारे बच्चों जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है उसका हमने आपको पढ़ाया था, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है बहुत आसान सा प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ सब लोग लगाए भी होंगे, θ/360 πr² चलिए पाई के पदों में विकल्प दिया था इसलिए पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों 60 है ये 360, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि इसका आंसर पाई के पदों में है, आर की वैल्यू प्यारे बच्चों 6 × 6 कर देंगे क्योंकि वर्ग है, चलिए 60 × 6 = 360, 1 × 6 = 6 cancel 6 π, तो प्यारे बच्चों 6 π सेमी वर्ग आएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है आपसे? देखिए मिला लीजिएगा, तो प्यारे बच्चों जो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका बिल्कुल करेक्ट है, देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल। आगे 13 नंबर प्रश्न क्या करा है कि एक समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रमशः कर्ण 7.5 सेंटीमीटर और आधार कितना है प्यारे बच्चों 4.5 सेंटीमीटर है, तो लंब भुजा की माप क्या होगी? बहुत ही आसान सा प्रश्न है प्यारे बच्चों, 13 नंबर है, क्या कह रहा है कि कोई समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण कर्ण कितना है 7.5, तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए कर्ण कितना है 7.5 ना, कर्ण कितना है 7.5 सेंटीमीटर है और आधार आधार कितना है प्यारे बच्चों 4.5 सेमी, 4.5 सेमी लंब पूछा है ना, लंब पूछा है प्यारे बच्चों, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है लंब बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट में कर्ण का वर्ग, क्या होता है प्यारे बच्चों कर्ण का वर्ग माइनस क्या होता है आधार का वर्ग, चलिए ध्यान से देखिए तो कर्ण कितना है यहाँ कर्ण कितना है 7.5 है इसका वर्ग माइनस आधार कितना है 4.5 का वर्ग, ठीक चलिए बैलू इसको वर्ग कर देते हैं प्यारे बच्चों, 7.5 का जब हम वर्ग करेंगे तो क्या आता है 56.25, कितना आएगा प्यारे बच्चों 56.25, वही अगर हम 4.5 का वर्ग करें तो कितना आएगा 20.25, कितना आएगा प्यारे बच्चों 20.25, अब 56 में से 20.25 को केवल माइनस करना है, चलिए तो ध्यान से देखिए माइनस कर देते हैं यहाँ से, 5 में से 5 घटाओगे 0, 2 में से 2 घटाओगे 0, 6 में से 0 घटाओगे 6, 5 में से 2 घटा दोगे 3, तो 36.00 आ गए, इस 0 का कोई मतलब नहीं, मतलब मिला जुला के प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल दोगे 6 आ जाएगा। देखिए क्या आपको ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर है, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी की मध्यिका सीडी है, तो सीडी स्क्वायर का मान क्या होगा? प्रश्न आपने देख लिया होगा प्यारे बच्चों, आइए ध्यान से देखते हैं कि सबसे पहले त्रिभुज एबीसी का निर्माण करेंगे, प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है ध्यान देखिए, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है, क्या बनाना है प्यारे बच्चों एक ट्रेंगल बनाएंगे, ठीक एक ट्रेंगल बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा आपने स्केल की मदद से बढ़िया सा समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है, ए बी सी बना लिए, ठीक मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, अब आगे उसमें एक लाइन और प्रश्न में कहा था, क्या कह रहा था कि ए बी का मध्यिका सी डी है, ए बी का जो मध्यिका है वो सी डी है, मतलब ये मध्यिका सी से ज होकर गुजर रही, यानी ये कोई इसकी क्या है मध्यिका है, यहाँ तक ए बी का क्या है मध्यिका सी डी है प्यारे बच्चों, मध्यिका है, अब ये यहाँ भी 90 अंश का कोण अंतरित करेगा, यहाँ भी 90 अंश का कोण अंतरित, अब किसी भी एक त्रिभुज से हम आराम से जो है सी डी की मान निकाल सकते हैं, परंतु सी डी क्या निकालने के लिए बोला है प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगर मैं बात करूँ त्रिभुज बी डी सी में,
त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज बी डी सी में तो जो ये डी डी सी है ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है, ये आपका क्या आधार, आपको लंब चाहिए। तो लंब डी सी का क्या हो जाएगा, लंब जो डी सी का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा, कर्ण का वर्ग। कर्ण कौन है, बी सी का वर्ग है, और माइनस आधार, आधार कौन है, बी डी, आधार कौन है प्यारे बच्चों, बी डी का वर्ग है। चलिए ध्यान से देखिए, अगर मैं मान लूं टोटल भुजाएं कितनी है प्यारे बच्चों, एक्स है, यानी इन समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो कितनी है, एक्स है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं, बी सी भी आपका एक्स होगा, बी सी भी क्या होगा, एक्स ही होगा। तो यहाँ एक्स का वर्ग कर देंगे, माइनस जो बी डी है, बी डी यहां से लेके यहां तक आधा हो जाएगा, एक्स बटे दो हो जाएगा। तो यहाँ एक्स बटे दो का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। चलिए ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, और ये एक्स स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा, चार, चार का गुणा यहाँ करेंगे फिर घटा देंगे, तो चार एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे चार, चार में से एक घटा देंगे प्यारे बच्चों, चार में से एक घट जाएगा तो तीन एक्स स्क्वायर बटे चार। अब एक्स को आप ए बी भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो यहां से लेके यहां से लेके यहां तक की दूरी एक्स है ना, ए बी लिखा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ जहाँ ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ ए बी स्क्वायर लिख देंगे, तो तीन बटे चार ए बी स्क्वायर, तीन बटे चार ए बी स्क्वायर। अब आप देखिए क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपके प्रश्न में मिल रहा है, तीन बटे चार ए बी स्क्वायर। चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो देखिए 14 नंबर में जो ऑप्शन नंबर बी है प्यारे बच्चों, वो आपके उत्तर से मिल रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट है। अब 15 नंबर क्या कर रहा है, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य, समांतर माध्य 45.6 की ग्रह है बार। देखिए प्यारे बच्चों यहां पर ही हम सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, उनके भारों का योगफल कितना होगा, तो समांतर माध्य, समांतर माध्य इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों उनके भारों का योगफल, बराबर क्या होता है, भारों का योगफल, भारों का क्या होता है, योगफल, पूरे एक बटे कितने लोग हैं, तो 12। प्यारे बच्चों समांतर माध्य कितना है, 45.6 बराबर भारों का योगफल एक्स मान ले, और ये 12 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक्स बराबर 45.6 गुणे कितना हो जाएगा, 12। पॉइंट कटाओगे प्यारे बच्चों बटे 10 लग जाएगा, 2 से कटाओ, 2 6 12, 2 5 कितने, 10। अब इन सबका गुणा करके 5 से भाग दोगे प्यारे बच्चों, तो 547.2 की ग्रह आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, सी करेक्ट है प्यारे बच्चों। चलिए अब हम बात करेंगे 16 नंबर प्रश्न का। 16 नंबर क्या कर रहा है, 3 4 6 और x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान क्या होगा, बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न पे इसी पे ही लगेगा। क्या कर रहा है कि 3 4, तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए जो जो संख्याएं आपके पास हैं, प्लस एक्स बटे 1 2 3 4, चार लोग हैं बटे चार इक्वल टू समांतर माध्य 5 दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 4 3 7 6 13, 13 प्लस x इक्वल टू 20, 4 5 20 हो गए ना। अब 13 को उधर कर दे प्यारे बच्चों, तो 20 माइनस 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। x की वैल्यू 7 आएगी, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है प्यारे बच्चों। आगे क्या करा कि द्विघात समीकरण x माइनस 1/x बराबर 1 का विभिक्तर होगा, विभिक्तर का फॉर्मूला होता है v² - 4ac, d बराबर b² - 4ac। प्यारे बच्चों तो हमको आइए ध्यान से देखते हैं, हम यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, कौन सा नंबर का, 17 नंबर का ना, दिख रहा है ना स्क्रीन पे 17 नंबर, देखिए 17 नंबर क्या कहता है, विभिक्तर तो x - 1/x = 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स का इनसे गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ -1 आएगा, इनका गुणा यहाँ कर दें तो एक्स आ जाएगा, ठीक। इस एक्स को इधर ला दें तो ये -x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स आया इधर और ये -1। आप पहले इस लाइन को समझिए कि एक्स का गुना इधर करे, एक्स का गुना यहाँ किए तो एक्स एक्स कैंसिल, एक्स का गुना एक्स किए एक्स आया, ये लाइन। अब फिर हमने क्या किया, प्लस एक्स को इधर ला दिया तो भाई माइनस हो गए बस। अब विभिक्तर का फार्मूला होता है बी डी बराबर होता है 20² - 4ac। देखिए बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, एक्स में कितना है, -1 है, एक्स का गुणांक इसमें क्या प्यारे बच्चों, -1 है, तो -1 का वर्ग कर देंगे -4। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर में भी किसी का गुणा नहीं, एक है, एक लिख देंगे। सी होता है आपका अचर पद जो कि -1 है,
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 1 के 4 और ये 1, मिला जुला के 5 आ जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए 5 आपका कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है? चलिए 17 नंबर में प्यारे बच्चों जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका 5 दिख रहा है, तो वो आपका क्या है, करेक्ट है। 18 नंबर क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, किसी आयतकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें द्विघात समीकरण में व्यक्त कीजिए, या उनका द्विघात समीकरण क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है प्यारे बच्चों। चलिए कौन सा नंबर, 18 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि एक आयतकार खेत है, देखिए थोड़ा सा हम लोग इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं तो और आसान हो जाएगा। एक आयतकार ये कोई खेत है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 1 अधिक है। चौड़ाई से 1 अधिक है कि कितना है प्यारे बच्चों, देखिए प्रश्न में, हाँ लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। ध्यान से देखिए, अगर चौड़ाई में x मान लूं तो भाई लंबाई x+1 होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 1 अधिक था। ठीक, अब कह रहा क्षेत्रफल, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों आपको दिया है, प्रश्न में दिया था आयत का क्षेत्रफल जो है वो 30 मीटर, कितना है 30। ठीक, ध्यान से देखिए अब आगे क्या कह रहा है, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एक्स गुणे क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, ठीक, बराबर 30। गुणा कर देते हैं, x का गुणा x से करेंगे तो x इस क्या, x का गुणा 1 से करेंगे तो x बराबर कितना 30, ये 30 इधर आ जाए तो माइनस हो जाएगा, x इस क्या प्लस x माइनस 30 इक्वल टू 0। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये समीकरण आएगा। देखिए आप क्या आपके ऑप्शन में ऐसा कुछ मिल रहा है, तो देखिए प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल मिल रहा है, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट। 19 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है केवल, बस प्यारे बच्चों ध्यान से प्रश्न देखिए, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक दिया है, बंटन के लिए बहुलक का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों थोड़ा सा ये दिमाग के बेसिक सवाल थे, उम्मीद है कि आपने लगाया होगा, नहीं लगाया होगा प्यारे बच्चों तो ये देखते हैं, उम्मीद है लगाए होंगे, क्यों, क्योंकि आप लोग बहादुर बच्चे हो। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किसी बारंबारता बांटन के लिए माध्य और माध्यिका इतना दिया गया है, बांटन के लिए बहुलक का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों ऐसे प्रश्नों के लिए जो बहुलक का फार्मूला होता है, वो बहुलक का फार्मूला क्या होता है जानते हैं, बहुलक इक्वल टू होगा यहाँ पर 3 गुणे माध्यिका, क्या होता है प्यारे बच्चों 3 गुणे माध्यिका माइनस क्या होता है 2 गुणे माध्य। ये फार्मूला अगर हम लगाएं तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न हो जाता है। ध्यान से देखिए ये फार्मूला, बहुलक इक्वल टू होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, तो माध्यिका आपके प्रश्न में दी गई है, देखिए माध्यिका माध्यिका यानी माध्यक 25.8 है और ये 26.1 है। ठीक, तो प्यारे बच्चों 3 गुणे कितना हो जाएगा 25.8 और 2 गुणे 26.1, गुणा कर देते हैं प्यारे बच्चों, तो 3 का गुणा करेंगे 3 8 24, 3 5 15, 2 17, 3 9 6 7, तो 777.4 आ जाएंगे, और 2 का गुणा कर दे 2 1 2 2 6 12, 2 2 4 5, 52.2 घटा देते हैं प्यारे बच्चों, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जानते हैं, ये आ जाएगा ये 25.2, कितना आएगा प्यारे बच्चों 25.2। देखिए क्या आपको ऐसा कोई दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्यारे बच्चों लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न क्या करा, केंद्रीय प्रवृत्त की माप है, तो प्यारे बच्चों केंद्रीय प्रवृत्त का जो माप होता है वो बहुलक होता है, क्या होता है बहुलक होता है। इस प्रकार आपका जो बहुविकल्पी के 20 प्रश्न थे वो कंप्लीट हो गए प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जितने प्रश्न आपने हल करके आए होंगे सभी प्रश्न हमारे द्वारा बताए गए आंसरों से मैच जरूर कर रहा होगा प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, खंड ब में कह रहा है कि सभी भाग हल कीजिए, मतलब इसमें कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। आगे क्या कह रहा है कि बिंदुओं 2y और 10 और 3 के बीच की दूरी का 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सा सवाल है प्यारे बच्चों, बहुत ही लाजवाब सवाल है। चलिए 21 नंबर की शुरुआत हम करते हैं, 21 नंबर के क प्रश्न का, 2 बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु कौन है 2 और y है, और एक बिंदु कौन है प्यारे बच्चों 10 और 3 है, इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी 10 दिया है, आपको y ज्ञात करना है। कुछ बहुत ही गजब प्रश्न है प्यारे बच्चों, ध्यान देखिए ये मैंने बनाया, देखिए 2 बिंदु A और B है, इनके बीच की दूरी 10 है, ये 2 बिंदु हैं, इन y की वैल्यू ज्ञात, ये y ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों हम सबसे पहले अलग करते हैं x1, ये y1 होता है, ये x2 और क्या होता है y2 होता है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है d इक्वल टू अंडर रूट में, क्या होता है अंडर रूट में,
एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू रखते हैं, क्या वैल्यू रख देते हैं प्यारे बच्चों, सबकी वैल्यू रख देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। एक्स वन की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, दो है, और एक्स टू की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 2 - 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस वाई वन कितना है प्यारे बच्चों, वाई है, और वाई टू कितना है, 3 है, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, 2 में से 10 घटा देंगे प्यारे बच्चों, तो -8 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस यहाँ वाई माइनस कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर, ठीक, अंडर रूट में। पहले बच्चों डी की वैल्यू कितनी है, 10 है, बीच की दूरी 10। अगर मुझे अंडर रूट हटाने हैं तो दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, वर्क कर देंगे, तो जैसे ही अंडर रूट दोनों तरफ वर्क करेंगे तो इधर का अंडर रूट हट जाएगा पहले बच्चों, ये 10 का वर्ग हो जाएगा 100, ये -8 का वर्ग आ जाएगा, ऊपर से केवल अंडर रूट हट रहा है पहले बच्चों, ये वाई -3 का वर्ग आ जाएगा। ठीक, ध्यान से देखिए, अब ये 100 आ जाएगा, ये 64 होगा 8 का वर्ग, और ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल देते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 - 6y आ जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, ये 64 इधर आएगा, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा, 64, 100 - 64 बराबर इधर वाई स्क्वायर प्लस 9 - 6y आ गया। 100 में से 64 घटा देंगे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा, लगभग 64 घटा देंगे तो 36 आएगा प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 36, ये 36, ये वाई स्क्वायर प्लस 9 - 6y। ठीक, सबको इधर बुला लेते हैं प्यारे बच्चों, तो ये वाई स्क्वायर और ये -6y और ये +9, ये +36 इधर आएगा, तो -36 हो जाएगा = 0। ठीक, ये वाई स्क्वायर, ठीक प्यारे बच्चों, -6y, 36 में से 9 घटा देंगे प्यारे बच्चों, -27 आ जाएगा = 0। अब हमको गुणनखंड करना है प्यारे बच्चों, जो कि हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं, तो 27 का फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 9 और 3 के पदों में गुणनखंड कर दें तो 6 आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर -9y + 3y। ठीक, 9 3 27, 9 में से 3 घटा देंगे, 6 आ जाएगा, -27 = 0। यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, वाई कॉमन है तो वाई -9 बचेगा, यहाँ 3 कॉमन है तो यहाँ भी वाई -9 बचेगा। ठीक, एक कोष्टक में आपका वाई -9 आ गए, एक कोष्टक में वाई प्लस कितना आ गया, 3 आ गए। एक बार प्यारे बच्चों हम y -9 को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार y +3 को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार आपका y बराबर +9 आएगा, और एक बार y बराबर -3 आएगा प्यारे बच्चे, तो y की वैल्यू 2 प्राप्त हो गए, 9 और -3। ठीक, दोनों आपके वैल्यू हैं। ऐसे प्यारे बच्चों ख नंबर का रहा है, x और 1/x का माध्यम है, x और 1/x का माध्य क्या है, m है। तो चलिए, यानी दो संख्याएं हैं आपके पास, उनका माध्य कैपिटल m है, तो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है, दो जी दी गई संख्याओं को जोड़कर बटे जितनी संख्या उसी भाग दे दीजिए प्यारे बच्चों, तो बटे 2 = कितना है, m है। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आ जाएगा, ध्यान से अगर देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x + 1/x = आ जाएगा 2m। क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो गई प्यारे बच्चों, बिल्कुल हो जानी चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें तो हमको x³ और 1/x³ का माध्य चाहिए, x³ और 1/x³ का क्या चाहिए, माध्य चाहिए। इसको माध्य निकालने के लिए प्यारे बच्चों हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, सबसे पहले अगर हम चाहें तो अगर इनका क्या कर दें, वर्ग कर दें, इनका क्या कर दें, वर्ग करेंगे तो वर्गमूल वर्ग वाला आएगा, मुझे क्यूब करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ क्या करते हैं प्यारे बच्चों, क्यूब करते हैं, दोनों तरफ घन करने पर, जैसे ही हम दोनों तरफ घन करेंगे, ये x + 1/x³ आ जाएगा, ये 2m³ आ जाएगा। ठीक, ध्यान से देखिए, तो ये आ जाएगा x³ + 1/x³ + 3ab होता है, +3ab, तो a के स्थान पे x, b के स्थान पे 1/x, कोष्टक में x + 1/x हो जाएगा, = 2 × 4 × 8, 8m³ आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान दें, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास x³ + 1/x³ = कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, तो अब आपके पास कितना आ जाएगा, अगर ध्यान से देखिए क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ 3 आया है और प्लस है 3, x + 1/x की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों, 2m है। ठीक, इसका इतना, अब ध्यान से देखिए, बराबर कितना है, 8m³। ठीक, अब आपके पास कितना है, 3 × 6m, तो x³ + 1/x³ + 6m = 8m³। ठीक,
अब ये प्लस छ एम उधर चला जाएगा तो माइनस छ एम आ जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा पहले बच्चों, 8m का क्यूब माइनस कितना आ जाएगा 6m। अब क्या कह रहा है पहले बच्चों जानते हैं, इसका माध्य निकालने के लिए कह रहा है पहले बच्चों, इसकी वैल्यू अभी हम तक तो निकाले हैं माध्य निकालने के लिए, तो माध्य कैसे निकलेगा, माध्य का फॉर्मूला होता है पहले बच्चों क्या हो जाएगा, माध्य बराबर एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब के बटे दो हो जाएगा इक्वल टू प्यार बच्चों 8m का क्यूब माइनस 6m आ जाएगा। ठीक, अब हम करते क्या है, दो का गुणा इधर कर देंगे तो एक्स क्यूब प्लस वन अपान कितना आ जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू दो का गुणा करेंगे तो 2 8 16m³ माइनस 2 6 12m, यही आएगा इसका माध्य प्यारे बच्चों। इस तरीके से आपको ये सवाल सॉल्व करना था प्यारे बच्चों। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ग नंबर आपसे क्या करा है, यदि टेन टू ए इक्वल टू इतना तो ए का मान ज्ञात कीजिए। पढ़ लीजिए प्रश्न, प्रश्न तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा जिसका पेपर कोड है। चलिए ध्यान से देखिए, ग नंबर टेन टू ए इक्वल टू कॉट ए माइनस 18। प्रश्न बहुत ही आसान सा है, ग नंबर क्या कर रहा है कि भाई टेन टू ए इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 दिया है, ए का मान पूछा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है प्यारे बच्चों, हम टेन टू ए को चेंज कर दें या कॉट ए माइनस 18 को चेंज कर दें, किसी को भी चेंज कर सकते हैं, तो टेन टू ए को ही चेंज कर दें प्यारे बच्चों। टेन टू ए को हम लिख सकते हैं, हम एक फार्मूला जानते हैं कि कॉट 90 माइनस ए बराबर होता है टेन ए। अगर मैं यही कॉट 90 माइनस 2a लिख दूं तो ये हो जाएगा टेन टू ए, यानी जहां टेन टू ए है वहां हम कॉट 90 माइनस 2a रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देर किसकी बात है, हम यहाँ 90 माइनस 2a रख देंगे इक्वल टू कॉट ए माइनस क्या हो जाएगा 18, कॉट से कॉट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये 90 माइनस 2a इक्वल टू ए माइनस कितना हो जाएगा 18, ए वाला पक्ष एक तरफ और बिना ए वाला पक्ष एक तरफ, ये 90 हो गए, ये माइनस 18 इधर आएगा तो प्लस 18 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये ए है, ये माइनस 2a उधर जाएगा तो प्लस 2a हो जाएगा, 2a ए जोड़ के हो जाएगा 3a और 90 और 18 जोड़ के हो जाएंगे 108, कटा दीजिए तो 3 तिक्का 9, 3 छक्के 18 मतलब 36, तो ए की जो वैल्यू आएगी वो 36 आएगी पहले बच्चों। इस प्रकार आप यहाँ इसको हल कर सकते हैं, घ नंबर था ये। घ नंबर क्या कर रहा है पहले बच्चों, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करना पहले बच्चों। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है माध्यक ज्ञात करने का, तो सबसे पहले आप बारंबारता देख लीजिए, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों, जो ये बंटन दिया गया है इसको हम लोग पहले इस नुमा लिख लिए हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये वर्गंतराल बारंबारता एक तरफ लिख दिए हैं, अब हमको संचयी बारंबारता निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, संचयी बारंबारता, ध्यान से देखिएगा, संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो संचयी बारंबारता निकालने का नियम क्या होता है, ये 5 आप पहले यहाँ नोट कर लीजिएगा और इस 5 में 8 को प्लस करते जाइए, 8 5 कितने हो गए 13 हो गए। अब प्यारे बच्चों ये जो 13 है उसमें 20 प्लस हो जाएगा, 20 और 13 जोड़ के कितना हो जाएगा 33, 33 में 15 जुड़ जाएगा, 33 15 और जोड़ देंगे तो 48 आ जाएगा, 48 और 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 55 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों 55, ध्यान से देखिए। अब हमको बारंबारता को ऐड कर लेना, क्या कर लेना प्यारे बच्चों, ऐड कर देना, तो 15 5 20 20 20 40, 8 48 7 55, अगर आपका प्यारे बच्चों ये वाला दोनों डिजिट इक्वल है तो समझिए कि आपका संचयी बारंबारता सही आई है। अब आपसे क्या पूछ रहा था जानते हैं, ये जो 55 है ये 55 आपका क्या है, एक विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या, तो विषम संख्या है तो प्यारे बच्चों अगर हमको इनकी निकालना हुआ तो एन बाई टू, एन की वैल्यू कितनी है, 55 आई है, एन बाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 55/2, 55/2 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, लगभग अगर हम बात करें तो 27.5, 27.5, तो ध्यान से देखिए ये एन बाई टू की वैल्यू आई है प्यारे बच्चों 27.5। अब अगर आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ज्यादा किसकी बारंबारता है, तो सबसे ज्यादा जिसकी बारंबारता है प्यारे बच्चों वो 20 की है, किसकी है बारंबारता 20, यानी जो बहुलक वर्ग होगा वो प्यारे बच्चों ये वाली वर्ग अंतराल होगा, ये वाली वर्ग अंतराल होगा, ध्यान से देखिए सबसे ज्यादा। तो चलिए
हमसे क्या पूछा था? माध्यिका, हमसे माध्यिका या माध्यक पूछा ने प्यारे बच्चों। तो माध्यक का पहले व्यंजक तो लिख ले, मैंने बताया था जब इम्पोर्टेंट प्रश्न लाया था तो मैंने कहा था इस चैप्टर के सारे फार्मूले आप लोग याद करके जाइएगा, अगर जो बच्चे याद करके गए होंगे उनके लिए कोई भी समस्या नहीं आई होंगी। तो माध्यक का फार्मूला मैंने बताया, एल प्लस क्या होता है, एन बाई टू माइनस सी एफ यानी संचयी बारंबारता गुणे एच पूरे के बटे एफ। चलिए केवल वैल्यू रखते हैं, एल क्या होती है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कौन है प्यारे बच्चों, 20 है। तो एल की वैल्यू 20, एन बाई टू की वैल्यू 27.5 आपने निकाला ही है, माइनस संचयी बारंबारता। प्यारे बच्चों इसके सीधे पे जो ये है ये आपका क्या है, संचयी बारंबारता है, तो 33 आ गए। और जो एफ है वो एफ आपका क्या है प्यारे बच्चों, 20 है। एफ क्या है, 20 है। और गुड़े एच, एच होता है दोनों में अंतर, कितने का अंतर है प्यारे बच्चों, 20 से 30, 30 से 40, 10 का अंतर है ना, 10 गुड़े 10 हो गए। ठीक, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, बस अब आपका क्या आ जाएगा, इसको हल करना केवल, अब इसे आप हल कर दीजिए। तो देख पा रहे होंगे कि ये 20 से 20 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 27.5 में 33 घटा देंगे तो घटाइए प्यारे बच्चों, तो लगभग 5.5। तो प्यारे बच्चों -5.5 गुणित 10, पॉइंट कटाएंगे तो बटे 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो माध्यिका कितनी आएगी प्यारे बच्चों, -55 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा प्यारे बच्चों, -55 के बराबर आएगा। ये रहा आपका प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, अंगा नंबर आपसे प्रश्न क्या कर रहा है, दिया गया है कि एस सी एफ इतना इतना, मतलब इन दोनों संख्याओं का जो एस सी एफ है वो आपको दिया गया है। ये आपके पहले अध्याय से ली गई है प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, 255, 255 और 867 का जो एस सी एफ है प्यारे बच्चों वो आपको दिया गया, कितना दिया गया, 51, कितना है, 51 है। और एलसीएम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, एलसीएम पूछ रहा है, किसका एलसीएम पूछ रहा है, 255 और 867 का एलसीएम पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमने प्रश्न को इस नुमा मैंने लिखा है, एचसीएफ आपको दिया गया है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो जब ऐसे आते हैं तो इनके लिए व्यंजक क्या होता है, फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, की जब दो संख्याओं का मसपा पता हो, एचसीएफ पता हो, एलसीएम उसी का ज्ञात करना हो, उसके लिए एक व्यंजक होता है प्यारे बच्चों, 255 ये 867 का एलसीएम का व्यंजक क्या होता है जानते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे दोनों संख्याओं का मसप, आप इनको हल कर दीजिए, यही आपका जो होगा वही एलसीएम आ जाएगा। जैसे कि अगर आप क्या करते हैं प्यारे बच्चों कि 255 और 865, 867 है ना प्यारे बच्चों, 867 सॉरी, यहाँ 867 होना चाहिए, तो 255 और 867 का गुना करते हैं, 255 867 का गुना करेंगे तो 221085 आएगा, कितना आ जाएगा, 221085 अपान क्या हो जाएगी, 51, डिवाइड कर देते हैं प्यारे बच्चों, डिवाइड करेंगे तो 43.35 आ जाएगा। तो जो आपका आंसर आ जाएगा, जो एलसीएम आएगा वो 43.35 आएगा। इस प्रकार आपका ये भी प्रश्न क्या होता है, कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपका ये सवाल जरूर आया होगा। आगे क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, जो च नंबर प्रश्न है ध्यान से देखिए, च नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। च नंबर प्रश्न देख रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारे है। इसको हमने जब चैप्टर स्टार्ट किए थे तो भी प्यारे बच्चों मैंने बोला था कि ये एग्जाम में आपके कई बार पूछा है कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट दो अंडर रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको आप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लगाए भी होंगे, यदि आपने नहीं लगाया है प्यारे बच्चों तो थोड़ा सा थ्योरी प्रश्न है जो कि मेरा लगाने का मन नहीं कर रहा है। आप ये जो च नंबर प्रश्न है आप चैनल पे जाइएगा प्यारे बच्चों, प्ले लिस्ट में आप जब वीडियो पे जाएंगे, गणित की वीडियो पे देखेंगे तो वहां पर इस प्रश्न का सोल्यूशन मिल जाएगा। आपसे निवेदन है प्यारे बच्चों, आप वहां से जाके इस प्रश्न को जरूर देख लीजिएगा, ठीक, इसलिए मैं इस प्रश्न को नहीं बता रहा हूँ छ नंबर। ठीक, आगे क्या करा प्यारे बच्चों कि किन्हीं पांच भागों को हल करना, ध्यान से देखना केवल पांच भागों को हल करना। अब आपने कौन सा हल किया वो तो मुझे नहीं पता, परंतु मैं प्रयास कर रहा हूँ मैं सभी प्रश्नों को टच कर लूँ थोड़ा सा।
निम्नलिखित सारणी का क्या निकालना, बहुलक निकालना। क्या निकालना प्यारे बच्चों? बहुलक। तो पहले हम इसको अपने वर्ग अंतराल में लिखेंगे, ध्यान से लिखिएगा प्यारे बच्चों। 22 नंबर जो प्रश्न है वो हम उसको हमने इस नुमा लिख लिया, वर्ग अंतराल लिख लिए, बारंबारता लिख ली प्यारे बच्चों। बहुलक ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले अगर मैं बहुलक का व्यंजक लिख दूं तो और अच्छी बात है। तो बहुलक का व्यंजक क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। पहले बहुलक का फार्मूला क्या होता है, बहुलक इक्वल टू होता है एल प्लस कोष्टक में क्या होता है पहले बच्चों, एफ वन माइनस एफ नॉट, ठीक, एफ जीरो भी कह सकते हैं। फिर होता है टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू, यही होता है, गुणे क्या होता है पहले बच्चों एच। ये बहुलक का फार्मूला होता है, ध्यान से देखना। एल होता है निम्नतम सीमा, एफ वन होती है प्यारे बच्चों सबसे यफोन जो होता है वो ठीक बाद वाली बारंबारता होती है, माध्यिका वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, और ये पहले की बारंबारता होती है, और यच वर्ग अंतराल का माप होता है। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसमें देखिए सबसे ज्यादा किसकी बारंबारता है, 23। तो जो बहुलक वर्ग होगा प्यारे बच्चों वो यही होने वाला है, हम इसको कॉलम से बना लेंगे, ये बहुलक वर्ग है, ध्यान से देखिए। अब इसमें जो ये 30 है ये लोअर है, तो ये एल की हो जाएगी, एल हो जाएगा। और ये जो 23 है प्यारे बच्चों, ये जो 23 है ना, ये 23 क्या हो जाएगा, ये एफ नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा एफ नॉट, यही बारंबारता है, ठीक। और जो एफ वन है ठीक पहले वाली, ये ठीक पहले एफ वन हो जाएगा। और जो एफ टू है प्यारे बच्चों वो ठीक बाद वाली, ये एफ टू हो जाएगा। और एच, एच दोनों में अंतर कितने का, 30 10, तो 40 है ना, 10 का गैप है, तो एच 10 हो जाएगा। तो केवल वैल्यू रख देने प्यारे बच्चों, ध्यान देखिए सारे वैल्यू रखना केवल। एल की वैल्यू आपको दिख रहा है चित्र में 30 प्लस एफ वन, एफ वन की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, देखिए एफ वन की वैल्यू 15 है, कितना है 15। एफ नॉट की वैल्यू कितनी है, 23 है, ठीक। अपान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, अपान कितना हो जाएगा, टू एफ वन, ठीक, टू एफ वन, एफ वन की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 15। माइनस एफ नॉट की वैल्यू कितनी है, 23। माइनस एफ टू, एफ टू की वैल्यू कितनी है, 7। गुड़े एच, एच की वैल्यू कितनी है, 10। ध्यान से देखिए अभी इन्हीं को सॉल्व करना हमको, 30 प्लस 15 में से 23 घटा देंगे प्यारे बच्चों तो 8 आ जाएगा, -8, और 15 दूनी 30, और 23 7 कितने हो जाएंगे, 30, ठीक प्यारे बच्चों। तो 30 माइनस कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 30 हो जाएगा, गुड़े 10। तो प्यारे बच्चों ये 30 में 30 घटा देंगे 0, तो ये पूरा पद ही 0 हो जाएगा। तो आपके पास केवल 30 प्लस 0 हो जाएगा, जो कि बहुलक कितना जाएगा, 30, कितना जाएगा, 30। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका ये भी प्रश्न क्या होता है, कंप्लीट है। अब हम बात करेंगे 22 नंबर के अगले प्रश्न की, जो कि 22 का जो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है वो रचना से आया है, जो कि बहुत ही जब रचना नहीं त्रिभुज से है, नहीं रचना है, ख नंबर रचना है और ग नंबर त्रिभुज है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। ख नंबर करा 4, 5 और 6 सेमी भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करना है, और फिर इसी के संगत अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज के संगत भुजाओं के 2/3 गुनी। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है प्यारे बच्चों, चलिए हम बनाते हैं इसको। प्यारे बच्चों आपने सवाल देख ही लिया होगा, 4, 5, 6, तो कोई भी एक भुजा हम ले लेते हैं, चाहे 6 सेंटीमीटर हो, चाहे 4, 5, कुछ भी ले लेते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले इन सभी सवालों को हम लोग बहुत आसान तरीके से 2-3 वर्ड पे देखो, ये 2/3 ध्यान देना क्या है, और बाकी 4, 5, 6 हम इसको बगल कर देते हैं। अब आराम से इसको हम बनाते हैं, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। जो भी प्रश्न क्रमांक था, प्रश्न क्रमांक था 22 का ख नंबर, 22 का ख नंबर, बहुत ही माखन तरीका लगाएंगे हम लोग। सबसे पहले कह रहा कि 4, 5, 6 क्रमशः 4, 5 और 6 कोई भी एक नाप का हम भुजा ले लेते हैं, 2/3 गुना भुजा बनाना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, मतलब कहने का मतलब है जो 2 है वो आपकी पहली जो त्रिभुज बनाओगे वो 2 हो, और उसका 2 उसी का 3 तीसरा हिस्सा आपका अगला वाला त्रिभुज हो। आइए सबसे पहले देखिए 6 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे स्केल की मदद से। देखिए प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा कैमरे में, तो ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ 0 से लेकर हम लोग 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे, ठीक। उम्मीद है कि आपने 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा है। अब इसको हम नाम दे देंगे ए और क्या बी, अगर रचना का पद लिखना है तो लिखेंगे ए 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचा, ठीक। ये लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे भाई, मेरे पास 4 और 5 बचा है,
एक बार हम 4 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे और एक बार 5 सेंटीमीटर का। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये 4 है, आपको ये दिख रहा है ना, ये 4 और ये 4 लगभग। तो बी को केंद्र मानते हुए हम 4 सेंटीमीटर का क्या लगा रहे हैं, चाप लगा रहे हैं। बी को केंद्र मानते हुए हम 4 सेंटीमीटर का क्या लगा दिए, चाप लगा दिए। ठीक, ये ठीक। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, अब ए को केंद्र मानते हुए 5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। तो पहले 5 सेंटीमीटर का हम चाप लेते तो हैं प्यारे बच्चों, ये ठीक। ए को केंद्र मानते हुए 5 सेंटीमीटर का क्या लगा देंगे, चाप। अब हम ए को केंद्र मानते हुए क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का चाप। ये जहां एक दूसरे को काट रहे हैं, अगर हम उन्हीं को मिला दें प्यारे बच्चों, तो एक भुजा 5 हो जाएगी, एक भुजा क्या हो जाएगी, 4। चलिए मिला देते हैं प्यारे बच्चों, ये इनसे मिला दिए, ध्यान से देखिए, ये पेन यहां तक चली ना, फिर उसके बाद इनको हमने इनसे मिला दिया, ये मिला दिए। अब ये जो माप है ये 4 सेंटीमीटर का है और ये जो माप है वो 5 सेंटीमीटर। क्या आपकी इतनी बातें क्लियर हुई? और जहां ये काट रहे हैं, इस बिंदु का नाम हो गया सी। सब, अब आप इसको रचना का पद में कैसे लिखेंगे? ए बी, एक रेखाखंड ए बी खींचा, या एक रेखाखंड 6 सेंटीमीटर का, एक रेखाखंड ए बी खींचा। बी को केंद्र मानते हुए 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया, ए को केंद्र मानते हुए 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जो कि एक दूसरे को सी पर प्रतिच्छेद करते मिला दिए, तो ए बी सी त्रिभुज बन गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ए से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे। ए से एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे, एक सीधी रेखाखंड खींचेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, जिसका नाम हम दे देते हैं ए एक्स, एक रेखाखंड ए एक्स खींचा। ठीक, अब इसमें आप ध्यान से देखिए, यहां लिखा है 2/3, मतलब ये जो 3 है प्यारे बच्चों, इतनी भाग हम इस रेखा पे करेंगे, समान 3 ठो खंड बनाएंगे। तो वो समान 3 खंड क्या होगा प्यारे बच्चों, एक निश्चित चाप लेकर एक समान खंड बना देंगे। तो पहले बच्चों देखिए, एक समान खंड बनाते हैं हम लोग, एक निश्चित चाप का एक समान खंड लेंगे। तो ध्यान से देखिए थोड़ा सा, आप लोग अगर मैं कहूं एक खंड यहां मान लिया जाए, ठीक, एक खंड यहां मान ले, 2 खंड, एक तीसरा खंड मैं मान लू यहाँ, ठीक, ये 3 खंड हो गए। इन तीनों का नाम दे देते हैं प्यारे बच्चों, इन तीनों का नाम देना चाहें तो इनका नाम A1 हो जाएगा, इनका नाम A2 हो जाए, इनका नाम A3। अब A3 को क्या करते हैं, B से मिला देते हैं। A3 को क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, B से मिला देंगे। ठीक, इतनी बातें हो गई। अब हम क्या करते हैं, देखिए A3 पर फिर से प्रकार रखेंगे, A3 पर प्रकार, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, A3 को हम लोग आप स्टार्ट कर दीजिए। A3 को हम लोग केंद्र मानते हुए आधे से ज्यादा अधिक दूरी लेकर चाप लेकर एक खंड चाप लगाएंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए ये चाप कुछ इस प्रकार लगा रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये अधिक ज्यादा से दूरी लेकर एक क्या लगा लेंगे, चाप। अब यही जो चाप हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है, यही सेम टू चाप हम लोग यहाँ पर भी लगाएंगे, यही सेम टू चाप हम यहाँ पर भी लगा देंगे। ठीक प्यारे बच्चों, अब हम इस चाप की लंबाई नाप लेते हैं, ध्यान से देखिए। तो इस चाप की जो लंबाई है तो लगभग इतना आया प्यारे बच्चों, देख रहे हैं, ये चाप की लंबाई हमने नापा। अब यही चाप हम यहाँ पर रख के काटेंगे, यहाँ ए यहाँ, ये देखिए ये यहाँ काट रहा है यहाँ पर। तो जहां पे काट रहा है प्यारे बच्चों, उन्हीं से हम मिला देंगे उस बिंदु पर। तो देखिए हम इनको मिला देंगे, A2 को मिलाएंगे, ध्यान से देखिएगा, A2 को मिलाएंगे जहां पर ये काट रहे हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों जब हम A2 को मिलाएंगे तो कुछ वो इस प्रकार मिलेगा, मिला, ध्यान से। तो ये जिस बिंदु पे काटे हैं प्यारे बच्चों, इस बिंदु को हम नाम दे देंगे बी डैश, क्या नाम दे देंगे, बी डैश। ठीक, अब हम क्या करते हैं, सेम प्रोसेस जो नीचे हमने किया वही प्रोसेस ऊपर भी करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, बी पर चाप लेंगे, बी डैश थोड़ा सा आधा से ज्यादा दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। ठीक, वही सेम चाप हम लोग यहाँ पर भी लगाएंगे, बी पर भी क्या करेंगे, वही सेम चाप बी पर भी लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, चाप की लंबाई नापेंगे प्यारे बच्चों, किसकी लंबाई, चाप की। तो जितना ये चाप आया है इतना चाप हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। ठीक, ये जहाँ काट रहे हैं, चलिए थोड़ा सा प्रकार प्यारे बच्चों गड़बड़ है, आप लोग तो एग्जाम दे रहे होंगे ना, तो आप लोग का प्रकार तो नहीं गड़बड़ होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इनको इस तरीके से मिला देंगे। तो ये जहाँ काटेंगे इसका नाम हो जाएगा C डैश,
और इस प्रकार प्यारे बच्चों जो त्रिभुज बनता है, ये वाला छोटा वाला जो त्रिभुज बना है, ये पहले त्रिभुज के 2/3 क्या है, 3 गुना है। इस प्रकार आपका ये जो है सवाल कंप्लीट होता है। एक बार आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रचना के पद जो जो भी आपने किया वही रचना का पद आपको लिखना है प्यारे बच्चों। ठीक, उम्मीद है कि आपने ऐसा ही बनाया भी होगा प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों 22 नंबर का जो ग नंबर है वो क्या कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है और बीडी एसी पर लंब है। ठीक प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखना है आपको क्या करना था, केवल एक समकोण त्रिभुज बनाना है। एक क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें जो कोण बी है वो आपका कुछ इस नुमा बनाना था प्यारे बच्चों। डायग्राम ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी क्या है समकोण है, अर्थात बी क्या है 90 अंश है। आगे इस पे कर रहा था बीडी जो है वो एसी पर लंब है, जो बीडी है प्यारे बच्चों वो एसी पर लंब है, अर्थात बी से एक लंब डाला गया है, एक लंब खींचा गया जो कि एसी पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, इसका नाम डी है। बीडी जो है वो एसी पे क्या है, लंब है। तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, लंब है ये भी कोण 90 डिग्री होगा और ये भी कोण 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। तो जो जो चीजें दी गई है वो चीजें हम लिखते हैं और क्या सिद्ध करना वो भी लिख देते हैं प्यारे बच्चों। तो दिया क्या है, दिया है कोण बी बराबर 90। ठीक, कोण बी बराबर क्या 90 अंश। आपको जो और जो ये बीडी है, जो बीडी है ये लंब है एसी पर, लंब है एसी पर, ये दिया है। और सिद्ध क्या करना है प्यारे बच्चों, सिद्ध करना है आपको क्या सिद्ध करना, ध्यान से देखिए क्या सिद्ध करना जानते हैं, आपके पेपर में दिया है, हम क्या जाने भाई। सिद्ध करना है ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी। तो चलिए, सिद्ध करना है ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी। ठीक, चलिए अब हम देखिए ध्यान से, अगर ये चीज हमको सिद्ध करना, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, समरूप है। जब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप, अब कैसे समरूप है, देखो प्यारे बच्चों ये कोण 90 अंश है, ये कोण 90 अंश है। ठीक, ये आपकी जिसे हम कहते हैं उभयनिष्ठ भुजा, तो ए एस ए, अगला ध्यान से देखिए अगला कहाँ से लगा देंगे प्यारे बच्चों, अगला जो होगा ये वाला जो एंगल होगा, ये वाले एंगल दोनों बराबर होंगे, तो ए एस नियम से या ए ए ओनली एंगल एंगल भी देखें तो भी ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, चूंकि त्रिभुज ए डी बी समरूप हैं त्रिभुज डी बी सी, ए डी बी बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी एक दूसरे के समरूप। तो प्यारे बच्चों जब समरूप हैं तो समरूपता का नियम क्या कहता है, ध्यान से देखना, बस केवल आपको ध्यान से देखना है। बस समरूपता का नियम कहता है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात इनकी संगत भुजाओं का अनुपात के बराबर होगा। अब इनकी संगत भुजा हम AD बटे AB ले रहे हैं, यानी ये आपका जो है प्यारे बच्चों ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है, आधार और कर्ण ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो AD बटे क्या कर रहे हैं, AB, तो AD बटे AB संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, ध्यान देना AD बटे AB। अगला अगर हमको क्या लेना है प्यारे बच्चों, अगला हमको ये लेना है, ये ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना है कि आपको AC और AD लेना है। तो आप देखिए जो BDC त्रिभुज लिए हैं वो BDC त्रिभुज में प्यारे बच्चों AC नहीं आ रहा है, यानी हमारा जो जो सिद्ध करने वाला पोर्शन है वो बड़े वाले त्रिभुज से लेना है, अर्थात ADB और ABC, यहाँ क्या होना चाहिए था ABC, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। जब प्यारे बच्चों समरूप हैं तो AD बटे AD क्या है, इधर आधार है, और AB क्या है, कर्ण है, आधार बटे कर्ण का अनुपात ले रहे हैं, तो अगली बार भी हम बड़े वाले में भी आधार और कर्ण ही लेंगे। तो बड़े वाले में आधार जो है प्यारे बच्चों वो क्या है, आपको ध्यान से देखना है, तो आधार आपका क्या है और कर्ण क्या है, तो देखिए क्या है प्यारे बच्चों, तो आधार आपका कितना है, बड़े वाले में जो आधार है वो आपका क्या है, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अब बड़े वाले त्रिभुज में जो आपका आधार है वो आपका AB है और जो कर्ण है वो AC है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो AB का गुणा AB से कर दूं प्यारे बच्चों, AB का वर्ग आ जाएगा, AC का गुणा AD से कर दूं तो AC गुणे AD आ जाएगा।
इस प्रकार आपका जो है ये क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। आप ये हो गया आपका घ नंबर क्या करा प्यारे बच्चों, पुनीत की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के दुगने से 1 वर्ष अधिक है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, पुनीता है, पुनीता की आयु। तो मान लेते हैं प्यारे बच्चों पुनीता की वर्तमान आयु, लास्ट में वर्तमान आयु पूछा है तो वही मान लेंगे, माना पुनीता की वर्तमान आयु 1 वर्ष है। चलिए सवाल ध्यान से देखिएगा, सवाल आपने पढ़ लिया है, केवल ये पुनीता का सवाल दिख रहा है। अब पुनीता मान लेते हैं, सवाल देखिए, माना पुनीता की आयु, किसकी आयु प्यारे बच्चों, पुनीता। तो माना पुनीता की जो आयु है, वर्तमान आयु जो है वो 1 वर्ष है। तो प्यारे बच्चों 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले तो प्रश्नानुसार अगर लिखें तो थोड़ा सा हम शार्ट सवाल लगाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप तो ध्यान दें, 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले तो आज 5 साल हो तो 2 वर्ष पहले 3 साल हो गए ना, तो घट रहे हो, तो 2 वर्ष पहले तो x-2 हो जाएगा पूर्व। अब से 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद तो प्यारे बच्चों एक्स में 4 जुड़ जाएगा, 4 वर्ष बाद के आयु का गुणनफल उनके वर्तमान आयु के दुगने, दुगने का मतलब 2 का गुना से 1 अधिक है, से 1 क्या है, अधिक है, यही आपका प्रश्न करा। अब आपको वर्तमान आयु, तो बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। देखिए एक्स का गुणा एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, 2 का गुणा एक्स से करेंगे तो -2x, फिर प्यारे बच्चों इस एक्स का गुणा 4x से करेंगे तो 4x, 4 का गुणा 2 से करेंगे तो -8 आ जाएगा, यहाँ 2 का गुणा x से करेंगे तो 2x+ कितना है, 1 है। ध्यान से देखिए अब क्या करते हैं, हमारे पास एक्स स्क्वायर, 4 में से 2 घट जाएगा तो आपके पास केवल 2x बचेगा, और यहाँ -8 = 2x+1। अगर आप देख रहे होंगे तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -8 = 1, ये -8 उधर चला जाए तो एक्स स्क्वायर बराबर 1+8 हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगेगा, जिसका वर्गमूल आएगा +-3, +-3, जो कि माइनस आयु कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए धनात्मक चिन्ह लेंगे, तो जो वर्तमान आयु है उसकी कितनी आ जाएगी, 3 वर्ष। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका ये भी प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अंग नंबर ध्यान से देखिए, निम्नलिखित समीकरण को हल करना है, 1/x - 1/x - 2 = 3 है, तो x नॉट बिलोंग 0 to, तो ध्यान से देखिए समीकरण एक बार मैं नोट कर ले रहा हूँ, फिर आपको कैमरे के सामने ले आ रहा हूँ प्रश्न। 1/x - 1/x - 2 इक्वल टू कितना है, इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए यही इक्वेशन है आपको इसे सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखना। प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लस ले, इनका लस ले लेते हैं, तो प्यारे बच्चों जब इनका लस लेंगे तो एक्स और एक्स माइनस टू आ जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस टू हो जाएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा / 3, ये इनका मल्टीप्लाई, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्यारे बच्चों यहाँ -2 बचेगा, कितना बचेगा, -2 बचेगा, ठीक, अपान एक्स का गुना एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का गुना -2 से करेंगे तो -2x = 3/1 आ जाएगा, ठीक। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई इनसे, इनका इनसे, 3 का गुणा x से करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3x², 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 × 2 = 6x आ जाएगा, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 को इधर ले आए तो +2 हो जाएगा, 3x² - 6x + 2 = क्या हो गया, 0, ठीक। प्यारे बच्चों अब ध्यान से देखिए ये आपके पास समीकरण आ गया 3 × 6, अब 6 का ऐसा कोई फैक्टर कर दें जिससे कि जोड़ने या घटाने पर आ जाए 6 आ जाए, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं प्यारे बच्चों। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सीधराचार विधि से लगाएंगे, तो जहाँ ए की वैल्यू कितनी है 3, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी जो है -6 है, और जो सी है वो कितना है प्यारे बच्चों 2 है। तो सीधराचार विधि का फॉर्मूला होता है x = b± अंडर रूट में b² - 4ac अपान कितना 2a, यही फार्मूला होता है। चलिए तो हम रख देते हैं b की वैल्यू कितनी है -6 है, +- b का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 का वर्ग, -6 का वर्ग कर देंगे, -4, a का मान कितना है 3, c का मान कितना है 2/2a, a का मान कितना है 3,
चलिए इन सबको प्यारे बच्चों में ही पहल करते हैं, जिससे कि आपको सामने टू दिखता रहे सारा अक्षर। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, तो अब आप ये देखिए -6, यहाँ देखिए ये -6 प्लस ये 6 कवर करेंगे 36, 4 12 2 24, ठीक। इस बात को ध्यान दीजिए, -6 प्लस माइनस अंडर रूट में आएगा 36, माइनस 4 3 12 2 24 आया था, ठीक। अपान 2 3 6 हो जाएंगे, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये -6 प्लस माइनस 36 में से 24 घटा देंगे प्यारे बच्चों, तो 12 आ जाएगा बटे 6 आ जाएगा। 12 का एक बार आप x बराबर क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, का प्लस चिन्ह लेंगे, तो एक बार x बराबर क्या लिखेंगे, 6 प्लस अंडर रूट 12 बटे 6। एक बार जब आप माइनस चिन्ह लेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6 माइनस अंडर रूट 12 बटे 6। माइनस कॉमन लेके लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो प्यारे बच्चे यहीं भी छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार आप सीधराचार विधि से इनको हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या करा प्यारे बच्चों, फिलहाल आपको 5 ही प्रश्न करने थे, अब हम सभी बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। दो क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 340 है। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, दो क्रमागत धन सम संख्याएं। तो प्यारे बच्चों जैसे कि धन सम संख्याएं क्या होता है आपके पास ये पता होना चाहिए। तो जैसे दो क्रमागत धन संख्याएं क्या मान लें, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस फोर, समझे प्यारे बच्चों, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस फोर, इस बात को ध्यान से समझिए। तो इनके वर्गों का योग तीन, इनके वर्गों का योगफल, तो माना दो क्रमागत धन संख्या है, तो माना दो क्रमागत सम संख्याएं एक्स प्लस टू और एक्स प्लस फोर है। प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योगफल, इनके वर्गों का योगफल 340, कितना 340, इसका वर्ग करेंगे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, 2 दूनी 4x आ जाएगा। इसका वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 दूनी 8x आ जाएगा, इक्वल टू 340, ठीक। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के हमने प्रसार कर दिया प्यारे बच्चों। देखो एक्स स्क्वायर जोड़ के कितना हो गया 2x स्क्वायर, 4x और 8x जोड़ के कितने हो गए प्यारे बच्चों, 12x आ जाएंगे, ठीक। 4 और 16 जुड़ के कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 20, इक्वल टू 340। ध्यान से देखिए, तो ये प्लस 340 इधर आएगा तो माइनस 340 हो जाएगा, तो 2x² प्लस 12x प्लस 20, ये माइनस 340 आ गए, इक्वल टू 0। 340 में से 20 घट जाएगा माइनस 320, तो 2x² प्लस 12x माइनस 320 इक्वल टू 0। देखिए 2 से भाग जा रहा है तो भाग दे दीजिए, 2 से भाग देंगे तो x² प्लस 6x यहाँ आ जाएगा माइनस 160 इक्वल टू 0। अब आपको 160 का ऐसा फैक्टराइजेशन करना है जिससे कि आपको मिडिल जो टर्म है आपको 6 मिल जाए। कैसे मिलेगा प्यारे बच्चों, सोचिए। तो प्यारे बच्चों इसका फैक्टराइजेशन जो होगा वो 16 और 10 का होगा, x² प्लस 16x माइनस 10x माइनस 160 इक्वल टू 0। 16 धाम 160, 16 में से 10 घटा देंगे 6 आ जाएगा, तो यहाँ एक्स कॉमन होगा तो एक्स प्लस 16 बचेगा, यहाँ -10 कॉमन होगा तो एक्स प्लस 16 बचेगा। एक बार एक कोष्टक में एक्स माइनस 10 आएगा, एक बार एक्स प्लस 16 आएगा, इक्वल टू 0। एक बार पहले बच्चों एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स बराबर 10 आएगा, एक बार एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स बराबर माइनस 16 आएगा, जो कि अमान्य हो जाएगा प्यारे बच्चों। अमान्य इसलिए होगा क्योंकि वो धनात्मक सम संख्याओं की बात कर रहा था, तो आपका आंसर जो होगा वो 10 आ जाएगा। एक 10 होगा तो एक क्या होगा प्यारे बच्चों, एक 12 है तो एक कितना है प्यारे बच्चों, 14 है। एक 12 है तो एक क्या है, 14 है। इस प्रकार आप धनात्मक, यहाँ एक्स की वैल्यू 10 रख दोगे तो 10 2 12, 12 2 कितना, 14। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपकी दो क्रमागत सम संख्या आप निकाल सकते हैं। अगर आपको आंसर मिलाना है तो ध्यान से देखिए, क्या 10 2 12 और 10 4 14, 14 और 12 का वर्ग कर दीजिए और उनको जोड़ दीजिए, क्या 340 आते हैं। तो अगर आपके आ रहे हैं तो आंसर सही है, नहीं तो नहीं। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, 23 नंबर, अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 6 नंबर वाले प्रश्नों की। कह रहा निम्नलिखित समीकरण के युग्मों को हल करना अथवा करके दो प्रश्न दिए गए, या तो आप ये हल कर सकते हो प्यारे बच्चों, या तो आप ये हल कर सकते हो, कोई भी इन दोनों में से एक आप चाहे जो भी सॉल्व कर सकते हो प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिए,
अब उम्मीद है कि आपने ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, दोनों सवाल आपके एग्जाम में बताई गई हैं, सॉरी दोनों सवाल आपके एक्सरसाइज में बताया गया है। तो ये किसी न किसी इसको तो युग में बदल देते हैं प्यारे बच्चों, तो इसे युग में बदल कर थोड़ा सा हिंट इसमें दे देते हैं प्यारे बच्चों, इसको आप लगा लीजिएगा, ये भी सवाल आपके एक्सरसाइज में है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हमने लिखा है, ध्यान से देखिए, 1/(x-1) यहाँ भी आपका है और 1/(x-1) यहाँ भी है। अगर मैं इन दोनों को पी मान लूं प्यारे बच्चों तो कोई दिक्कत, वही आप देखिए 1/(y-2) और 1/(y-2) यहाँ भी है, इन दोनों को क्यू मान लेते हैं। तो अब जो समीकरण होगा ये 5p फिर +q=7/4 हो जाएगा। इस प्रकार समीकरण तैयार होगा, 5p+q=7/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 4×5=20, यहाँ 4q=7, समीकरण नंबर 1 आ गए। ठीक, अब क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए अब इसको ध्यान दीजिए तो 6p आ जाएगा, यहाँ 6p, इनको ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों तो यहाँ 2q हो जाएगा, -2q=1/2, 2 का गुणा कर दे 2×6=12p, फिर 2×2=4q=1, समीकरण नंबर क्या हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को आप विलोपन प्रतिस्थापन विधि से p और q का मान निकाल के प्यारे बच्चों यहाँ रख दीजिएगा, इसको p के बराबर माने हो ना, इसे यहाँ रखकर आप x का मान निकाल लीजिएगा और इसको q का मान निकाल कर यहाँ रख देंगे तो y का मान मिल जाएगा प्यारे बच्चों। नहीं तो आपको प्यारे बच्चों पूरे प्रश्नावली जो है आपका 3.3 जो भी होगा वो अध्याय आप जाके देखिए, ये सवाल मैंने बता के रखा, वहां से आप जाके देख लीजिएगा। ठीक, थोड़ा सा लेंदी है इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप मत सोचिएगा अक्सर नहीं बताया तो कुछ हो सकता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं 23 का 8वां नंबर, ये भी सवाल मैंने बता के रखा प्यारे बच्चों, ये भी सवाल आपको बताई गई है, ध्यान से देखिए, आप प्लेलिस्ट में जाइए क्लास उठाइए देखिए, तो ये सवाल आपको बताई गई है प्यारे बच्चों। 300 किलोमीटर की दूरी यात्रा करने में यदि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष बस दूरी तय करता है, तो मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि जैसे मैंने क्या कहा कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, तो क्या करें, हाँ रेलगाड़ी और बस की चाल, तो माना रेलगाड़ी की चाल एक्स है और बस की चाल जो है क्या प्यारे बच्चों वाई है, रेलगाड़ी की चाल एक्स है और बस की चाल क्या वाई है। ठीक, तो हम वहां से ये भी सवाल आप प्यारे बच्चों वहां पर जाइए, प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है, क्लास में बताया गया ये सवाल है, तो आप वहां से जाके इसे देख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, अगला सवाल 24 का देखिए प्यारे बच्चों, 2 प्रश्न हैं ये और ये अथवा करके, तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपने ये वाला सवाल काफी लोगों ने हल किया होगा, आइए पहले हम इसको देख लेते हैं। क्या कहता है कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं, तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवन की ऊंचाई बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक बहुमंजिल भवन है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बहुमंजिल का मतलब है कि उस भवन की ऊंचाई काफी अधिक है, आगे आगे कह रहा कि शिखर पे देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब कहने का मतलब है ऐसा कोई दूसरा भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है प्यारे बच्चों 4 मीटर है, उस भवन की ऊंचाई कितनी है प्यारे बच्चों 4 मीटर है, एक की ऊंचाई बहु उसकी ऊंचाई क्या है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई h मान लेते हैं, टोटल ऊंचाई क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई जो है टोटल ऊंचाई क्या है h। ये हमने बनाया, देखिए ये 4 मीटर का कोई ऊंचा भवन है जिसका नाम है a और b, और ये बहुमंजिल वाला भवन है जिसकी ऊंचाई पता नहीं, ज्ञात करना प्यारे बच्चों। एक बार यहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण मिला प्यारे बच्चों, एक बार इसके यहाँ से शिखर का जो उन्नयन कोण है वो प्राप्त हुआ, वो कितना है प्यारे बच्चों 30 अंश है, कितना है 30 अंश है। ठीक, यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है। अगला, यहाँ से इस भवन के तल को देखा गया तो प्यारे बच्चों वो अनुमन कोण कितना है 45 अंश है, तो आप ऐसे डायग्राम बना दीजिएगा और अनुमन कोण सदैव यहाँ क्रिएट होता है, ये 45, ये सिरसा विमुख कोण होने के कारण ये आपका 45 यहाँ हो जाएगा, एकांतर सॉरी सिरसा नहीं एकांतर। ठीक, ये हो गया प्यारे बच्चों। अब आपको दोनों भवन के बीच की दूरी बतानी है, यानी x बताना है और बड़े भवन की ऊंचाई, तो बहुत ही लाजवाब प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान सा है। सबसे पहले आप देखिए कि आप सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले हम करते क्या है,
कि हमारे पास दो ठो इक्वेशन पड़ा है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर हम यहां से इस वाले त्रिभुज निकाले, नाम दे देते हैं ई, यहाँ ना, तो त्रिभुज डी ई बी में, त्रिभुज डी ई बी में, ट्रायंगल डी ई बी में ना, त्रिभुज डी ई बी में, तो जो एंगल है प्यारे बच्चों वो टेन तीस है। क्या है? टेन तीस बराबर लंब, लंब यहां से लेके यहां तक प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक सोचो, यहां से लेके यहां तक का तो चार है, ठीक प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक चार है, तो बची जो दूरी होगी वो h माइनस चार हो जाएगा, क्योंकि चार कम हो जाएगा ना, तो h माइनस तक लंब कितना है, h माइनस चार, और आधार यहां से लेके यहां तक की जो है x है, जो x है वही ऊपर x है। टेन तीस की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, एक बटे कड़ी में तीन बराबर h माइनस चार बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो x बराबर आ जाएगा अंडर रूट तीन गुणे h माइनस चार, ये समीकरण नंबर एक आ गए। अब हम अगला त्रिभुज सॉल्व करें, तो त्रिभुज कौन सा है प्यारे बच्चों, डी ए सी, त्रिभुज डी ए सी दिख रहा है, त्रिभुज डी ए सी, हाँ चलो, त्रिभुज डी ए सी में, त्रिभुज डी ए सी में जो एंगल है प्यारे बच्चों वो टेन पैंतालीस बनेगा बराबर लंब, लंब तो इस बार पूरा एच है ना, यहाँ से लेके देखिए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का लंब है, तो पूरा एच है यहाँ से यहाँ तक, आधार क्या है आपका एक्स है, तो ये टेन पैंतालीस की वैल्यू एक होती है प्यारे बच्चों बराबर एच बटे एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे एक्स बराबर एच आ गए, समीकरण नंबर दो। अब देखिए समीकरण एक में एक्स के स्थान पे हम एच रख सकते हैं प्यारे बच्चों, एक्स के स्थान पे एच रख दें तो हमको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा प्यारे बच्चों, तो समीकरण एक से एक्स के स्थान पे हम एच रख रहे हैं तो अंडर रूट तीन, अब गुणा कर दें यहाँ पर, अंडर रूट तीन का गुणा कर दें एच में अंडर रूट तीन आ जाएगा, माइनस चार अंडर रूट तीन हो जाएगा। अब देखिए ये चीज इधर जाएगा प्यारे बच्चों, एच माइनस अंडर रूट तीन एच हो जाएगा, इक्वल टू माइनस चार अंडर रूट तीन हो जाएगा, ठीक। अब एच एच कॉमन हो जाए, इसमें एच कॉमन हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वन माइनस कितना आ जाएगा अंडर रूट तीन, इक्वल टू माइनस चार अंडर रूट तीन हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अगर हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए तो क्या कर देते हैं कि ये गुणा में इधर चले जाएंगे भाग में, एच इक्वल टू कितना आ जाएगा चार अंडर रूट तीन, यहाँ वन माइनस क्या हो जाएगा कर्ड़ी में तीन, ठीक, ये माइनस में। अब इनको हम यहाँ से अगर पहले इसको माइनस कर दें इसको प्लस कर दें प्यारे बच्चों, ये ऐसा कुछ हो जाएगा माइनस चार कर्ड़ी में तीन, ये प्लस पहले लिख दें, अगला वाला माइनस कर दें प्यारे बच्चों, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एच इक्वल टू जो ऊंचाई आएगी एच की इक्वल टू आ जाएगी चार अंडर रूट तीन, अंडर रूट तीन माइनस एक, अगर आप वैल्यू रखना चाहते हो तो अंडर रूट तीन का मान रखिए, अन्यथा आप यहीं पर छोड़ दीजिए, तो भवन की ऊंचाई यही आ जाएगी। और समीकरण दो से देखिए, तो जितने भवन की ऊंचाई होगी उतना ही उन दोनों भवनों के बीच की दूरी भी होगी, तेईस भवन के बीच की दूरी भी होगी। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका ये सवाल क्या होता है, कंप्लीट होता है। ले प्यारे बच्चों बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न का, क्या कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मतलब जो त्रिज्या है प्यारे बच्चों वो आपको 21 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या जो है वो 21 सेंटीमीटर दिया है। आगे क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि चाप के केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता, मतलब थीटा 60 अंश दिया, तो चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा। सबसे पहला प्रश्न प्यारे बच्चों कि वहां त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा, किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा, बहुत बढ़िया, फर्स्ट पोर्शन में। सेकंड में पूछा है प्यारे बच्चों संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, किसका प्यारे बच्चों, वृत्तखंड। देखिए अगर आप किसी भी फार्मूले किसी भी सवाल को हल कर रहे हैं प्यारे बच्चों, अगर उसका आपको व्यंजक याद है, व्यंजक पता है, तो आप किसी भी प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हमने इस प्रश्न को लिखा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, थीटा इतना दिया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये तो प्यारे बच्चों सबसे पहले अगर हमको त्रिज्यखंड का फार्मूला क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है उसका होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। चलिए वैल्यू रखते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 बटे 360, पाई की वैल्यू 22/7 है, त्रिज्या कितनी है प्यारे बच्चों 21 है, तो 21 गुणे 21 हो जाएगा। ध्यान से देखिए 60 के 60 छक्के 360, 7 तरीक क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो
तो और उसके बाद प्यारे बच्चों सात्विक क्या हो जाएगा, 21, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 में 22, 11 का गुणा 21 में कर दे प्यारे बच्चों, तो 11 गुणे 21, 11 की 11, 11 दूनी 22, 22 और 22, यहाँ से देखिए 11 के 11 1 हासिल था, 11 दूनी 22 21, 231 सेमी स्क्वायर, ये इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों। अब सेकंड नंबर इसमें पूछा था वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो अब यहाँ नाम नहीं दिया कि संगत का कौन सा, तो पहले हम लघु निकाल देते हैं, यहाँ देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 r² sin θ। ठीक प्यारे बच्चों, तो आप इसकी जो वैल्यू है वो आपने यहाँ निकाला है कितना, 231 माइनस 1/2 r, r कितना है 21 गुणे 21 sin θ, तो थीटा कितना है प्यारे बच्चों 60 दिया था, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो 231 माइनस 1/2 21 गुणे 21, इसका मान √3 कितना, तो ठीक हल कर देते हैं प्यारे बच्चों, 231 माइनस 2 2 4, 21 21 हमें 441 गुणे कितना हो जाएगा √3। आप प्यारे बच्चों इसको हल कीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसी का लास्ट अथवा नंबर क्या कर रहा है प्यारे बच्चों कि 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाली एक बेलनकार बाल्टी है, तो रेत से भरी हुई है, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इससे एक रेत का एक शंक्वाकार ढेरी बन जाता है प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिए कि जो बेलनकार बाल्टी है ढेरी बन गई, शंक्वाकार ढेरी बन गया, यदि ढेरी की ऊंचाई 24 हो तो ढेरी की त्रिज्या और त्रिज्या ऊंचाई, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, जो बेलन की ऊंचाई है, बेलनकार जो बल्टी है उसकी ऊंचाई आपको दी गई है, बेलन की ऊंचाई आपको प्राप्त है कितना है 32 सेमी, कितना है 32। ठीक, आगे आधार की त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या है वो 18 है, कितना है प्यारे बच्चों वो 18 है। आगे का रहा जो शंकु बना है, शंकु की जो ऊंचाई है वो 24 है, शंकु की जो ऊंचाई है वो कितना है 24 सेंटीमीटर है, ध्यान से देखिए 24 सेंटीमीटर। अब क्या हो रहा है कि आपको शंकु की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई एल ज्ञात करने, तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बेलन का आयतन शंकु के आयतन के बराबर होगा क्योंकि बेलन में से ही मिट्टी निकाली गई है, शंकु का आकार, तो बेलन का आयतन बराबर मिट्टी, बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, बस यही फॉर्मूला रखना, बस बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। अब ध्यान से देखिए, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए यहां सबकी वैल्यू रख देते हैं, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आर आर क्यों नहीं कैंसिल होगा क्योंकि सबकी त्रिज्याएं अलग हैं प्यारे बच्चों, 18 गुणे 18, एच की वैल्यू कितनी है 32, इधर आर आर इधर कितना ज्ञात करना है, एच दिया है 24। ठीक, ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे तो कटा दें तो 3 6 के 18, 3 8 24, 8 1 के 8, 8 4 के 32, तो 6 4 के 24 ना। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ 6 गुणे 4 गुणे 18 बराबर आर स्क्वायर, तो 24 गुणे क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों 18, 432 आ जाएंगे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा 432, इधर से आर स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लगेगा 432 बराबर आर, तो अगर हम वर्गमूल निकाल ले 432 का देखिए क्या मिलता है, तो लगभग 20.78 आएगा, 20.78 बराबर आर, ये आपको आर आ गए प्यारे बच्चों। अब आपको तिर्यक ऊंचाई चाहिए, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, आर का स्क्वायर यहाँ देखिए टोटल यहाँ से 432 है, हम 432 रख रहे हैं प्लस एच, एच दिया है शंकु की जो ऊंचाई है वो यहाँ 24 है, तो यहाँ 24 का वर्ग कर देते हैं, ठीक जोड़ देंगे, तो 24 का वर्ग और 432, 24 का वर्ग 576 होता है, जोड़ दीजिए
तो प्यारे बच्चों 6, 2, 8, 7, 3, 10, 5, 4, 9, 1, 10, 1008 आएगा। अगर हम इसका वर्गमूल निकाल दें, 1008 का वर्गमूल निकालें प्यारे बच्चों, तो 31.74 आएगा, 31.74। इस प्रकार आपका यहाँ पर ये भी प्रश्न क्या होता है, कंप्लीट होता है। और इसी सवालों के साथ प्यारे बच्चों, ये आज जो आप जो भी बच्चा हमारे पास 822E1 कोड वाला पेपर भेजा था भाई, उसके लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों। अगर आप भी अपने पेपर के कोड को, अपने पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप पेपर के कोड, आप अपने पेपर को हमारे पास भेज दीजिए प्यारे बच्चों, वो आपके सॉल्यूशन कर दिए जाएंगे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आपने इस कोड वाले जितने भी बच्चे होंगे, वो सभी बच्चों का जो आंसर है हमारे आंसर से मैच कर रहा होगा प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आपने एक अच्छा मार्क या एक अच्छा सा टारगेट बनाकर पेपर दे के आए होंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पेपर की तैयारी के लिए, अगर आप प्यारे बच्चों यानी 10 का जो विज्ञान का एग्जाम है उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।